दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1993 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर रोमांटिक ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है चोर और चांद। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अदित्या पंचोली, पूजा भट्ट, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, रघुवीर यादव, अवतार गिल, किरण कुमार और शिवा रिंदानी। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पवन कौल ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अदित्या पंचोली। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है सूरज यानी अदित्या पंचोली से, जो हाल ही में जेल से अपनी सज़ा काट के रिहा हुआ है। और सूरज छोटी मोटी चोरियां करता है और अक्सर जेल जाता रहता है। इसके अलावा सूरज का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और सूरज जेल से रिहा तो हो जाता है मगर उसके पास खाना खाने तक के पैसे भी नहीं होते। और फिर कहानी अपना असर रुख तब लेती है जब दिनकर सेठ यानी आलोकनाथ की इकलौती बेटी रीमा यानी पूजा भट्ट अपनी शादी वाले दिन ही घर से भाग जाती है, और फिर इसी दौरान वो सूरज से भी मिलती है। और इसके बाद दिनकर सेठ और पुलिस से बचते हुए सूरज और रीमा को ज्वाइन करता है हीरो यानी रघुवीर यादव, जो मुंबई जाके मूवी स्टार बनना चाहता है, और वो भी बैंक रॉबरी केस में एक फरार मुजरिम है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में इन तीनों के बारे में दिखाया जाता है, जहां सूरज से गुजरे हुए कल और उसके पत्थर दिल होने की वजह भी दिखाई जाती है। और सिर्फ यही नहीं, कहानी से जुड़े और भी अप्स एंड डाउन्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिन्हें जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्टर पवन कौल ने इस फिल्म के डायरेक्शन काफ़ी अच्छे से की है, मगर मेरे ख्याल से फिल्म की स्टोरी प्रेजेंटेशन थोड़े और अच्छे अंदाज में होनी चाहिए थी, जहां सीन्स में इंटेंसिटी थोड़ी कम दिखाई देती है। जबकि मेरे ख्याल से एडवेंचर मूवीज में थ्रिलिंग सीन्स को कहानी में जोड़ना चाहिए था। इसके अलावा स्क्रीन पे राइटिंग की बात करें तो फिल्म की स्क्रीन पे राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है, मगर फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो दिखाई देता है, जबकि फिल्म का सेकंड हाफ काफ़ी मजबूत और एंटरटेनिंग दिखाई देता है, जिसमें कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल के स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग बनाया गया है। और बात करें डायलॉग्स की, तो फिल्म के डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं और फिल्म में हमें बहुत से अच्छे सबक भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ड्रग्स माफिया की सच्चाई और ड्रग्स से होने वाली बर्बादी के बारे में दिखा के ये फिल्म हमें समझाने की भी कोशिश करती है। इसके अलावा फिल्म में हमें वेल एग्जीक्यूटेड एक्शन सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। और बात करें म्यूज़िक की, तो फिल्म का म्यूज़िक भी बढ़िया है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफ़ी शानदार हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो आदित्य पंचोली ने अपने किरदार को हमेशा की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छे से निभाया और शानदार परफॉर्मेंस दी, जिस पे उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके अलावा फिल्म की हीरोइन पूजा भट्ट भी बेहद खूबसूरत नज़र आईं और उन्होंने भी अपने किरदार को बाखूबी निभाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और बात करें आलोक नाथ की, तो वो इस फिल्म में एक शातिर और मगरूर आदमी के किरदार में नज़र आए, और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ रही। इसके अलावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में लाजवाब काम किया है, खास तौर पे किरण कुमार और रघुवीर यादव तो इस फिल्म में काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए। ओवरऑल देखा जाए तो चोर और चांद एक वन टाइम वॉच मूवी है, और मैं आप सभी को ये मूवी रेकमेंड करूँगा। आप सब भी इस मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए एक बार देख सकते हैं।